वीवो का फ्लैगशिप फोन आ गया है, वो भी दो दो। पैकेजिंग तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके, इसमें को इंजीनियर विद ज़ायस लिखा हुआ है। हम भी इंजीनियर और बॉक्स भी को इंजीनियर है। ये हुई ना बात। काफी इंटरेस्टिंग फोन है, एक्साइटेड हो जाओ। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतना एक्साइटेड कि मैं इस फोन के कैमरे को टेस्ट करने के लिए वियतनाम पहुँच गया। मानोगे। और अभी हम आए हुए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे वियतनाम के। भाई जाना पड़ा क्योंकि ज़ायस का 1 इंच का मेन कैमरा है, MediaTek का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, मतलब पीरो गेम प्ले भी कर सकते हैं इसमें और भी बहुत सारी चीज है। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ये वीवो का एक्स सीरीज का फोन है। एक्स से बहुत गहरा नाता है। इस सीरीज के फोन में वीवो सब कुछ डाल देता है। क्या मतलब फ्लैगशिप सीरीज है, वीवो X90 Pro और एक X90 का, दोनों ही बॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। फटाफट खोलते हैं। नहीं जाता। ओके, तो ये X90 Pro है और ये X90 है। इसे ओपन करते हैं। और बाकी ये X90 है। ओह, ये कलर तो काफी प्यारा है। ये X90 है और ये X90 Pro है। फर्स्ट लुक, वाओ। इसके अंदर एक और बॉक्स है, काफी मोटा यार। यहाँ पर ये भाई ये ऊ यंत्र है और ये जन्मपत्री है, बेसिकली ये वारंटी कार्ड है। बाकी ये कवर है। ये क्या यार, ये तो काफी भारी है। ओके, इसको खोलते हैं। टाइप सी केबल। ओके, ये फास्ट चार्जर। ये X90 का बॉक्स है और इसमें भी आई थिंक आपको सेम कॉन्टेंट मिल जाता है। और दोनों ही देखने में यार मस्त लगते हैं। X90 Pro के बैक में ये आपको वीगन लेदर दे रखा है, काफी सॉलिड फील देता है। ग्रिप काफी सॉलिड है, फील्स प्रीमियम, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो X90 है, इसका बैक ये ग्लास है, काफी स्लिपरी है इसका बैक। एकदम स्मूथ सॉफ्ट सॉफ्ट फील देता है। इसका डिस्प्ले देखोगे, ये 6.78 इंच का एक FHD+। ये देखो साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कर्व मिलेगा और ये डिस्प्ले को बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। ये देखो दोनों का डिस्प्ले सेम है, 3D कर्व है, AMOLED है, 1300 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अगर मैं ब्राइटनेस एक बार टेस्ट करूँ, ये देखो मैं लोएस्ट चला जाता हूँ और ये देखो लोएस्ट में भी हल्का सा विजिबल है। तो ये मैंने कर दिया 50%। ये देखो 50% पे आपको ब्राइट इनफ है, इसी में आप इजिली यूज कर पाओगे। अगर मैं इसे 100% कर देता हूँ, ये देखो भाई कितना ब्राइट है। ये देखो इवन मैं इसे वियतनाम भी लेके गया था तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। मैंने इसे आउटडोर में भी खूब यूज किया। इसमें 1000 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है। एक बार सेटिंग में जाके चेक करते हैं। ओके, स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और इसमें अगर हम नीचे आते हैं आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक स्मार्ट स्विच है और एक 60 हर्ट्ज है और एक 120 हर्ट्ज है। मतलब पता ही आपको, स्मूथनेस टेस्ट करते हैं। ये देखो, ओह सुपर स्मूथ यार, एकदम मक्खन है। ये देखो। ओके, अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी चेक करें, ये देखो यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे आप 2160p पे वीडियो देख सकते हो। क्या बात है, डिस्प्ले क्वालिटी क्या बात है, मजा आ गया। तो जो बेजल्स है ऊपर और साइड में बहुत ही कम, ना के बराबर है, और इवन चिन की साइड में देखो बहुत ही कम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन का बहुत ही तगड़ा है। ये देखो यार, आप खुद देखो, इसके फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन है। एक बार गिरा के देखते हैं, इतनी हाइट से बहुत तेज गिरा था। ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, इसका एक बार हैप्टिक टेस्ट करते हैं। ओके, इसका हैप्टिक फीडबैक भी काफी सही है यार। इसकी थिकनेस 9.34 mm है और देखने में फोन स्लिम लगता है। पर X90 Pro का वेट देखते हैं। ओके, 215 ग्राम है और एक बार X90 का देखते हैं। ओके, ये 201 ग्राम का है। Vivo X90 थोड़ा सा हल्का है। एक चीज नोटिस की मैंने, कैमरा मॉड्यूल दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो कैमरा बम्प है वो X90 Pro का थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। देखो ऐसे रखते हो, ये देखो। और कैमरा बम के पीछे रीजन भी है क्योंकि इसमें जो सेंसर साइज है वो काफी बड़ा है। X90 का थोड़ा सा फ्लैट है। X90 और X90 Pro दोनों का ही फिजिकल ओवरव्यू ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही आपको मेटल फ्रेम है। नीचे की साइड ये सिम स्लॉट है, डुअल सिम स्लॉट है, कोई SD कार्ड नहीं है और इसमें ई सिम सपोर्ट भी है। ये माइक्रोफोन है, ये टाइप सी, और ये स्पीकर है। ऑफ कोर्स ये स्टीरियो स्पीकर है। स्पीकर टेस्ट करते हैं। बाकी सब ठीक है ना? अरे मेरा कद्दू। सच बताओ तो गाने में मजा नहीं आ रहा है। बस ज्यादा नहीं बजाना, कॉपीराइट आ जाएगा। मजा आया, हवा है ना, असली मजा। लाइक बटन दिख रहा है, दबा दो इसे। ओके, मस्ती को साइड में रखते हैं। स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी, लाउड है, आपको क्लियर सुनाई देती है। राइट हैंड साइड में ये पावर बटन है और ये वॉल्यूम बटन है और ये ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो। ओके, ये देखो टच करते ही। ओके, एनिमेशन है, सेकंड्स ले लेता है कुछ, भाई फास्ट है और यस रिस्पॉन्सिव भी है। इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, इसके अंदर 3 छोटे छोटे कैमरा, यहाँ पे टी कोटिंग है और यहाँ भी लिखा हुआ एक्सट्रीम इमेजिनेशन। ये वीवो X90 का कैमरा मॉड्यूल है और ये देखो, और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। वीवो X90 Pro के बैक साइड में आपको ये 50 megapixel का मेन कैमरा दे रखा है। ये सोनी IMX989 सेंसर है और ये जो मेन कैमरा, ये ज़ायस का 1 इंच का मेन कैमरा है। 1 इंच की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अभी पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और ये 50 megapixel पोर्ट्रेट कैमरा है। ये जो फ्रंट है 32 megapixel का है। वीवो X90 Pro और X
X90 दोनों के कैमरे में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। X90 में कोई ज़ायस का 1 इंच कैमरा नहीं है, इसमें ज़ायस है। ये जो कैमरा देख रहे हो ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ, सोनी IMX866 सेंसर, ये 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ये भी सोनी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है, ये भी सोनी सेंसर के साथ है। और वीवो X90 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी है। वीवो X90 प्रो में जो ज़ायस का 1 इंच मेन कैमरा है, ये इंडस्ट्री का लार्जेस्ट कैमरा सेंसर है। देखो ये जो मेन कैमरा है इसके अंदर ये देखो ये इतना बड़ा 1 इंच का सेंसर है। आपको वीवो का ये V2 चिप भी मिलता है। सबसे पहले मैं आपको वीवो X90 प्रो के कुछ कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ जो मैंने वियतनाम में लिए थे। इन तीनों कैमरे को मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देखो, ये मैंने ज़ायस 1 इंच मेन कैमरे से लिया है और यहाँ पर देखो भाई डिटेल्स देखो, लुक एट द पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस देखो, कलर्स देखो, स्किन टोन देखो कितना प्यारा दिया, एंड बैकग्राउंड में डेप्थ भी देखो, ऐसा लग रहा है कोई DSLR से ये फोटो ली है। दोनों ही फोन में आपको वीवो V2 चिप और ज़ायस की कोटिंग मिलती है, एंड इसका फायदा ये है कि इससे आपको जो पिक्चर्स निकल के आते हैं दे आर वेरी ब्राइट, लेस नॉइज मिलती है और आपको हाई डायनेमिक रेंज मिलता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो क्लियर डिटेलिंग है, बहुत ही शार्प फोटोज निकल के आए हैं। मतलब आप कोई फोटोज लेते हो ऐसा लगता है कि आपने किसी DSLR से फोटो ली है। और ये देखो इसके कैमरे में अगर आप पोर्ट्रेट पे जाते हो तो यहाँ पर आपको 1x और 2x ऑप्शन मिलता है, ये HD पोर्ट्रेट ऑप्शन भी है। और ये देखो ये Vivo X90 Pro के पोर्ट्रेट मोड से ली गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको डेप्थ देखने को मिलती है, एंड इवन अगर आप जूम करते हो ये देखो डिटेल देखो। और एक और चीज देखो, यहाँ पर अगर आप बोके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आप जो फोकस है वो सेट कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड में करना है या फोरग्राउंड में करना है। ये देखो बैकग्राउंड में फोकस करना है तो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो डीफोकस हो जाएगा और बैकग्राउंड फोकस हो जाएगा। ये देखो फोकल लेंथ ज्यादा कम करके आप डेप्थ को बढ़ा और घटा भी सकते हो भाई। इसके जो पोर्ट्रेट शॉट्स है आउटस्टैंडिंग निकल के आते हैं। और बाकी जो 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, ऑफ कोर्स इससे मैंने कुछ फोटोज लिए हैं वियतनाम में, बट स्टिल जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से जो फोटोज निकल के आए हैं सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो अच्छे निकल के आए हैं। तो एक मोड है जिसने मेरे माइंड को, एक तो ये मोड है जब आप मोड पे जाते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ज़ायस लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर, इस पर क्लिक करते हो देखो जैसे आप इस मोड को ऑन कर लेते हो उसके बाद देखो आप इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फिर डायगोनली किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हो। फेस को फोकस लेना तो मैं ऐसे करूंगा, ये देखो नीचे कहीं भी दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हो। और मैंने फोटो क्लिक कर लिया, जो मेन चीज है उसे फोकस कर दिया और बाकी सारे पार्ट को देखो डीफोकस कर दिया। ये फीचर मुझे माइंड ब्लोइंग लगा सच बताओ तो। और एक और अगर आप कैमरे में जाके साइड में जाते हो देखो यहाँ पर आपको ये स्पोर्ट्स मोड मिलता है, ये प्रो स्पोर्ट्स मोड है। आपको ये फोटो देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई हाँ वहाँ पे कार खड़ी है और आपने फोटो ले लिया है, ना 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 ये जो कार की फोटो आप देख रहे हो ये मोशन में थी, चल रही थी और उस वक्त मैंने फोटो ली है। ये जो प्रो स्पोर्ट्स मोड है इसने मेरे दिमाग को बूम कर दिया भाई सच बताओ, मतलब ऑब्जेक्ट को एक तरीके से फ्रीज कर देता है। और एक और चीज इसमें आपको 0 लाख शटर मिलता है ये देखो। और एक और मोड है इसमें वो है ये सुपर नाइट मोड। और ये कुछ फोटोज देखो जो मैंने लो लाइट कंडीशन में क्लिक की है वियतनाम में, और आप फोटो खुद देखो यार सेंसर काफी बड़ा है, जो फोटोज निकल के आते हैं दे आर रियली 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 गुड, जिस तरह लोग शाहरुख खान के दीवाने हो जाते हैं ना। सच बताओ मैं इसके नाइट फोटोज का दीवाना हो गया यार। उसमें जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा उससे भी जो सेल्फीज निकल के आते हैं वो भी काफी अच्छे आते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको एक ज़ायस ऑप्शन मिलता है, इसको अगर आप ऑन करते हो, अगर आप ज़ायस मोड को ऑन करके कोई फोटो लेते हो तो आपको उसमें थोड़े से नेचुरल कलर देखने को मिलते हैं। कई लोग होते हैं जिनको नेचुरल कलर ज्यादा पसंद आते हैं तो उन लोगों के लिए ये मोड काफी यूजफुल है। ओके अगर आप वीडियो में जाते हो यहाँ वीडियो में गए, ओहो अगर वीडियो में देखते हैं और यहाँ पर वीडियो में आपको 4K 8K तक रिकॉर्डिंग है, 60fps पे रिकॉर्डिंग है और फ्रंट में 1080p लिमिटेड है। हाँ एक चीज मैंने मिस करी कि इसमें आपको जिम्बल स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता जो यूजली वीवो के एक्स सीरीज में होता है। ये देखो अगर आप वीडियो पे जाते हो यहाँ पर आपको स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है, कुछ ज़ायस सिनेमैटिक मोड है और एक ये नेचुरल मोड। और यहाँ पे जाते हो ये देखो मूवी लट्स भी है कई सारे, ये देखो नॉस्टैल्जिया रेट्रो क्लासिक म्यूट। कॉस मैंने इन सारे फीचर्स को भी एक एक करके टेस्ट किया, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो ये ज़ायस के सिनेमैटिक मोड से शूट की गई है। एंड अगर आप इस वीडियो को देखोगे आपको लगेगा भैया ये फोन से शूट की गई है फिर DSLR से, आपको एकदम DSLR वाली इफेक्ट मिलती है इसमें। गाइस अभी आप जो ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हो ये Vivo X90 Pro के रियर कैमरे से शूट की जा रही है 4K 60fps पे। और अभी हम आए हुए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे वियतनाम के, और यहाँ पर मैं आपको स्पेशली इस फोन के कैमरे की कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये किस तरह के वीडियो शूट करता है, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो बताना आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, दिल तो ऐसा गार्डन हो रहा है सच में, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 चिप यूज किया गया है, डुअल फ्लैगशिप चिप है, 4nm वाला है। वीवो X90 और X90 Pro दोनों में आपको सेम प्रोसेसर दे रखा है और ये मीडियाटेक का एक पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है, मतलब समझ रहे हो स्पीड रो गेम प्ले कर सकते हैं। पहले कुछ टेस्ट कर लेते हैं, ये देखो इसमें मैंने एंड्रॉइड टेस्ट किया और इसमें जो स्कोर निकल के आया वो 12,26,000 प्लस निकल के आया है। दिस इज क्रेजी यार, इसका थ्रॉटलिंग देख सकते हो जो ग्राफ है वो स्टेबल निकल के आया है, लेकिन एक्साइटेड फॉर असली टेस्टिंग पीरो गेम प्ले। ओके अगर हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, देखो हम ग्राफिक्स में जाते हो, ओके स्मूथ है, बैलेंस है, HD है, HDR है, अल्ट्रा HD भी है, अब भी मजा आएगा, मतलब वेल ऑप्टिमाइज्ड चिप फॉर गेमिंग। और स्मूथ पे जाते हैं तो एक्सट्रीम ऑप्शन है, ओके ग्राफिक्स भैया स्मूथ मक्खन है। चलो पीरो गेम प्ले का टाइम हो गया है,
ये देखो पीरो मनो सर्विस हियर। ओए क्लच। चलो भाई एक दो बंदे और मार देते हैं, इज्जत का सवाल है यार। ओए ओ भाई साहब, ए सफेद कपड़ा, ओ ओ सफेद कपड़ा वाला बड़ा ही दिक्कत कर रहा है। आगे स्वाद एकदम मक्खन गेम प्ले यार। ये देखो सफेद कपड़ा। यहाँ पर गेम मोड भी है, ये देखो यहाँ पर 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, लेटेस्ट रैम और लेटेस्ट स्टोरेज टाइप है। ये मैंने सारे ऐप्स क्लोज कर दिए और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कैमरा। ये देखो फास्ट है और ये क्रोम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले स्टोर ये देखो और ये इजी शेयर ये देखो, भाई बहुत ही फास्ट है और एकदम स्मूथ है यार। 4870mAh की इसमें बैटरी, दोनों में सेम बैटरी है। और ये रहा इसका चार्जर, ये 120W डुअल सेल फ्लैश चार्जर है और साथ में 50W का वायरलेस चार्जर भी है। बाकी दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वीवो X90 Pro में आपको IP68 मिलती है और वीवो X90 में आपको IP64 मिलती है। दोनों ही फोन में 5G है, eSIM है, इंटरनेशनल वारंटी है, 3 years का एंड्रॉइड अपडेट और 3 years का सिक्योरिटी अपडेट आपको दोनों फोन के साथ मिलेंगे। ओके यहाँ पर आपको फ्रंट टच OS 13 मिलता है और ये बेस है एंड्रॉइड 13 पे, लेटेस्ट एंड्रॉइड है। बाकी अगर हम UI देखते तो भाई मुझे ऐसा कोई एड वेड तो देखने को नहीं मिला। ये देखो जैसे ये प्राइम वीडियो का फोन पे हो गया जो आप यूजली यूज करते हो। हॉट गेम और हॉट एप्स नहीं है, गुड। दोनों की जो प्राइस है वो फिलहाल मुझे भी पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए वीवो X90 और X90 Pro दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैमरे को छोड़ के। ओवरऑल दोनों ही फोन तगड़े हैं, स्पेशली ये X90 Pro। इसमें जो कैमरा देखा है इससे मैं हाईली इंप्रेस हूं। जो ज़ायस का 1 इंच का मेन कैमरा है सच बताओ तो नेक्स्ट लेवल है। तीन चीजें मुझे इसके कैमरे में बहुत ही इंप्रेसिव लगी। सबसे पहला जो पोर्ट्रेट कैमरा है उससे जो फोटोज निकल के आते हैं वाओ। दूसरा जो लो लाइट फोटोज है अमेजिंग है, एक्सीलेंट है। इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वाओ दैट इज क्रेजी यार। सच बताओ तो कैमरे के मामले में वीवो ने इस फोन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया है। बाकी जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है 3D कर्व एमोलेड वो भी बहुत अच्छी है, एकदम प्रीमियम टच है, मक्खन गेमिंग चलता है, मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू नहीं है, एकदम स्मूथ है। वीवो ने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज दे दी है जो एक यूजर को चाहिए होता है फ्लैगशिप डिवाइस में। और जितना मैंने फोन को टेस्ट किया उस बीच में मैं कह सकता हूँ ये फोन वीवो का सबसे बेस्ट फ्लैगशिप फोन है। भाई आपको कैसा लगा, आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं। जाते 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 दबा देना वो लाइक बटन दिख रहा है, शेयर कर देना, आई नो आपका दिल बड़ा है। मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।